नमस्कार दर्शकों, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है कि जिला अस्पताल में दिनों दिन हालत सुधरने की बजाय दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं। देख सकते हैं आप इन तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार से जिला अस्पताल के महिला वार्डों में यहाँ पर जहाँ पर पलंग की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पलंग की व्यवस्था न होने की वजह से यहाँ की जो महिलाएं हैं, महिलाओं के जो परिजन वाले हैं, वो घरों से मरीजों के लिए बिछाने के लिए यहाँ से घर से कपड़े लाते हैं और जमीन पर लेट करके इस पंखों की हवा ले रहे हैं। यहाँ पर कूलर की व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर जो वाटर कूलर है वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं लगे हुए हैं। कूलर की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, पलंग वगैरह कुछ नहीं। खबर दिन भर बस इतना ही। हम फिर मिले कुछ नई ताजा खबरों के साथ। अपने सफल और उज्जवल भविष्य के लिए वीरांगना अवंतीबाई महाविद्यालय में लें प्रवेश। डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से संबद्ध एकमात्र महाविद्यालय। हमारा संकल्प, विद्यार्थी बने काबिल। इस वर्ष बीएड करने का अंतिम अवसर चुने डीएड, बीएड और एमएड जैसे कोर्स। इसके अलावा मेडिकल फील्ड में रोजगार की अपार संभावनाओं के लिए चुने एएनएम और जीएनएम जैसे कोर्स। इसके अलावा हमारे यहाँ संचालित होते हैं बीए बीएड 4 वर्षीय पाठ्यक्रम, बीए एलएलबी 5 वर्षीय पाठ्यक्रम, बीएससी बीएड 4 वर्षीय पाठ्यक्रम और बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय पाठ्यक्रम इंटीग्रेटेड कोर्स। साथ में बीए सिंपल और कंप्यूटर, बीकॉम सिंपल एंड कंप्यूटर, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी सीएस, बीएससी माइक्रो एंड बायोटेक, एमए इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी, एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी और जूलॉजी, एमएससी माइक्रो एंड बायोटेक। इसके अलावा एमकॉम और बीबीए, बीसीए, बीजेसी, बीलिब, पीजीडीसीए, एलएलबी, एएनएम, जीएनएम, डीएड, बीएड और एमएड जैसे कोर्सेज। सामान्य वर्ग के छात्रों को बीसीए, बीबीए, पीजीडीसीए और 75% से ऊपर के सभी छात्रों को फीस में 25% की छूट। हमारे सहयोगी संस्थान हैं बीपी दीक्षित बीएड कॉलेज नौगांव, बालाजी पीजी कॉलेज नौगांव और पंडित देव प्रभाकर शास्त्री कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। संपर्क करें वीरांगना अवंतीबाई स्नातकोत्तर महाविद्यालय छतरपुर मध्य प्रदेश और पंडित बीपी दीक्षित बीएड कॉलेज नवोदय के सामने नौगांव मध्य प्रदेश।